नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत कर चिमनलीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस परे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खिमजी ज्वेलर्स हैंडक्राफ्टिंग ब्लेसिंग्स सिंस 1936 खिमजी। ढेंकानाल जिले अघोषित बिजुली काटर प्रतिवाद टीपीसी ओडीएल ऑफिस रे ताला पकाइले बीजेपी कर्मी सेपटे बिजुली भित्तिभूमि रे महादुर्नीति अभियोग रे राज्यपाल निकटे फेरा देला बीजेपी। शिमिलीपाल दुई वन कर्मचारी हत्यार प्रतिवाद आज आंदोलन में 5376 फरेस्ट गार्ड 2530 फरेस्टर ड्यूटी में रही पेट्रोलिंग न करने को निष्पत्ति पांच दफा दाबी पूरण न होले 10 रु समूह आंदोलन चेतावनी। वज्राघात दंता मृत बड़म्बा रेंज अरणा अंचल दंता हाथी मृत्यु विलंबित राति वज्राघात दंतार मृत्यु नहीं रेंजर को सूचना घटनास्थल में पहुंचे रेंजर और फरेस्टर। पंदर दिन अनवसर पर भक्तों दर्शन दे महाप्रभु श्रीजी नवजौवन दर्शन कले लक्षाधिक श्रद्धा सका 8-9 पारिमाणिक टिकेट दर्शन सका 8:30-11:30 साहण मेला दर्शन। राति पाइले विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रथ पथ सबु प्रस्तुत अपराह्न रे 3 रथ रहिब दक्षिण मोड़ भिड़ नियंत्रण पर स्वतंत्र रूट चार्ट पुरी को जगिबे 160 प्लाटून पुलिस फोर्स। मुख्यमंत्री कहीं सबुआड़े जावाक असमर्थ बिजेडी विधायक प्रफुल्ल सामल मंतव्य पर बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी उद्वेग राज्यवासी जानवाक चाहती कही ट्विटर में चिंता प्रकट कले अपराजिता मुख्यमंत्री सबुआड़े जापार सचिव को पठाऊ गतका बयान देते प्रफुल्ल। ढेंकानाल जिले में अघोषित बिजुली काट को नहीं प्रतिवाद टीपीसी ओडीएल ऑफिस रे ताला पकाइला जिला बीजेपी। जिला बीजेपी सभापति नरेश महापात्र पूर्वतन सांसद रुद्र पाणी पूर्वतन विधायक कृष्णचंद्र पात्र ए आंदोलन में सामिल होते जेपर्यंत जिलापाल वरिष्ठ अधिकारी आसी आलोचना न करछंती से पर्यंत ताला फिटिबो नाही बोली चेतावनी देछि बीजेपी। ढेंकानाल जिले में अघोषित बिजुली काट को नहीं प्रतिवाद टीपीसी ओडीएल ऑफिस रे ताला पकाइला जिला बीजेपी। जिला बीजेपी सभापति नरेश महापात्र पूर्वतन सांसद रुद्र पाणी पूर्वतन विधायक कृष्णचंद्र पात्र ए आंदोलन में सामिल होती जेपर्यंत जिलापाल वरिष्ठ अधिकारी आसी आलोचना न करछंती से पर्यंत ताला फिटिब नाही बोली चेतावनी देछि बीजेपी। सारा राज्य में अघोषित विद्युत काट को नहीं बेस जनसंतोष देखा मिली विभिन्न जगह आंदोलन प्रतिवाद जारी रखा। केवल ढेंकानाल नुहे राजधानी भुवनेश्वर भी बिजुली काटर प्रतिवाद भुवनेश्वर ग्रिडको ऑफिस घेरी कांग्रेस से संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि रोशन रथ रही। रोशन जदि आम कह बाहर निया वर्षा एवं घर भितर बिजुली काटर जो समस्या लोकों जनजीवन को बेस अस्तव्यस्त कर जो जनअसंतोष जो प्रतिवाद ग्रिडको ऑफिस घेरी कांग्रेस आज ये प्रतिवाद कांग्रेस कौन कहते कांग्रेस कर्मी देखिए पूरा घटना देखिए बर्तमान गत 10 दिन पाखापाखी हम जो भाव में ताती बढ़ुच्चर लगातार जो भाव में विद्युत काट हो देखिए सबुठी जन असंतोष देखा मिलूँ। बड़ कथा जो टाटा कंपानी को विद्युत वितरण दायित्व दि जाएगी विभिन्न समय टाटा कंपानी विरोध में प्रतिवाद देखा मिलूँ कारण विद्युत कटा जीव ना बारंबार प्रतिश्रुति सरकार पक्ष दिजापर
ତାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଅଫିସ ବାହାରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପିସିସିଙ୍କ ଡାକରାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁଥିରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗକୁ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏକା ଥର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଣ୍ଡା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଚୋର ସେ ତ ଦୁର୍ନୀତି ଯେତେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ କଣ ହବ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରା ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ଯେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଥିଲା 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଟାକୁ ବାକି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ। ଦାୟୀ କିଏ ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଦାୟୀ ନା ଟାଟା ପାୱାର ଦାୟୀ ନା ସରକାର? ସରକାର ଦାୟୀ, ସରକାର ତ ମୁଖିଆ ନା, ସେ କାହାକୁ ଦେବେ? ସେ ତ ଡାକିକି ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତ ସରକାର ଏବେ ଡାକିକି ଟାଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରିଡ଼କୋଟା ତ ତାର ଅଣ୍ଡରେ ସବୁ ସରକାର ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରିଡ଼କୋରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ 20-25 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖିକିରି ଭିଜନ ଦେଖିକିରି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗଛଟେ ପଡ଼ିଗଲେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଛି, 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ, ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କଟ, ଆଜି ରାଜଧାନୀବାସୀ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଗାଁରେ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ବାକିଆ ବିଲ୍ ଅଛି ସୁଧ ସହିତ ଅସୁଲି, ଏବେ ମନମୁଖୀ ଦାଦାଗିରି, ଏଇଟା ରାଜଶାସନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଧ ସହିତ ଯେଉଁ ଅସୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସୁଧ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଅସୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁଧ ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେତିକି ନେଉ, ପାୱାର କଟ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 4 କୋଟି ଲୋକ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଖରାରେ, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ଦାବି ଯାକ ପୂରଣ ନ କଲେ ତାହେଲେ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା ଉଠୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଲଗା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଏକଦମ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛୁ ଆକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆକୁ ଆମେ ଜବାବ ମାଗୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କାଟର ତାତିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସବୁଠି ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଅଫିସ ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିସିସିଙ୍କ ଡାକରାରେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ, ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାର୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ, ଟିପିସିଡିଏଲ୍ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଲବ ରାଉତ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଟିପିସିଓଡିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆଜି ଆସି ଟିପିସିଓଡିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ତା ସାମ୍ନାରେ ତାଲା ପକାଇ ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିପିସିଓଡିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଲା ଫିଟାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସିଧା ସିଧା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ
टाटा पावर सहित जो मधुचंद्रिका चली तार विरोध करी से सारा ओडिशा रे वर्तमान यह आंदोलन सबू जगार चली आज ढेंकानाल जिले में आम इटी ढेंकानाल सदर मोहन कुमार थिबा टाटा पावर ऑफिस सामने आज आम धारणा देचु एवं ऑफिस की बंद कर देचु जे पर्यंत प्रकृत यार समाधान न हो से पर्यंत एठू आम उठिबु नहीं से आमर राज्यसभा सांसद पूर्वतन राज्यसभा सांसद तो मध्य उपस्थित अछंति पूर्वतन विधायक कृष्णचंद्र पात्र मध्य उपस्थित अछंति पूर्वतन चेयरमैन सुनील शर्मा उपस्थित अछंति एवं एठिकार जने जनाशुना नेता रामचंद्र पात्र आरंभ कर पूर्वतन जिला सभापति दीप पटनायक आरंभ कर सब काउनसिलर वृंदों समेत ढेंकानाल जिलार शताधिक कर्मी आज ये घेरू में सामिल होती जे पर्यंत यार समस्या समाधान न हो निश्चित रूपे आंदोलन को आम आगे नबु ओईआरसी भी ओडिशा रे सेमती किसी उल्लेखनीय कथा ना आपणकर जदि वर्तमान राज्यर मुख्य शासन सचिव कथा कह मुख्य शासन सचिव माने तो ओईआरसी होती ना या पूर्वर मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र से वर्तमान ओईआरसी दायित्व अच्छा राज्यर वर्तमान मुख्य शासन सचिव जी आम ढेंकानाल जिला लोक पीके जेना सीए मध्य नापसंद व्यक्त करिसंती टाटार वितरण नहींक्री किंतु टाटार वितरण प्रक्रियार विफलता रे मुख्य शासन सचिव व मुख्यमंत्री नापसंद व्यक्त करदे हम ना राज्य सरकार टाटा को जेते बेले दायित्व देला सेते बेले विपुल परिमाण रे किकबैक रो कार्यक्रम होई एवं लाच टाटा ठारु बहु परिमाण रे इलेक्शन पांठि अन्यान्य पांठि राज्य सरकार को मिली तेरे वर्तमान सूचना अनुजाई टीपीसी डेल अधिकारी पहुंची बीजेपी कर्मी माने जो आंदोलन करी प्रतिवाद करी बिजुली काट प्रतिवाद रे जे आलोचना करथबार जा सूचना रही बिजुली भित्तिभूमि रे महादुर्नीति राज्यपाल निकट फेरा देला बीजेपी 15,000 कोटी टंका दुर्नीतिर केन्द्रीय संस्था द्वारा तदंत दाबी होईछि बिजेडी सरकार शक्ति मंत्री दायित्व थिबा समस्त मंत्री मानको तदंत परिसरभुक्त करबाकू दाबी होईछि बिजुली भित्तिभूमि रे गत 10 वर्ष रे 20,000 कोटी टंका खर्च करथिबा सरकार कहिछन्ते किंतु कंपनी कहिछि 5,000 कोटी टंकार भित्तिभूमि रहिछि तबे 15,000 कोटी टंकार अधिक दुर्नीति होइछि दुर्नीति किए करिछि बोली प्रश्न करछि बीजेपी ओडिसा विद्युत काट रे रेकर्ड सृष्टि करछि ए राज्यपाल को अवगत कराइछि भुवनेश्वर जिला बीजेपी माने दुई तीन दिन तले अनुभव करथिबे इंटरनेशनल जो माने माने इंटरनेशनल खेलाड़ी के ठीक आमंत्रण करछन्ति एवं खेल चलीथला बेले पावर कट होउछि सेठी कोठिना कोठी ओडिशावासींकर मुहरे कोळा बळला भळिया कथा हेछि एवं ए कथा को नै कि मध्य आमे राज्यपाल महोदय को जणैलु एवं किभळी भाबरे ए जो महादुर्नीति हेछि 20,000 कोटी टंका कारण जहा जो कंपनी नैछि से तार जहा असेसमेंट 5,000 रु 6,000 कोटी टंकार असेसमेंट हेछि बाकी जो 14,000 रु 15,000 कोटी टंकार महादुर्नीति होती तार पुंगखानुपुंख भाव तदंत होगा दरकार किए आधे दोषी से मानकर मुखा खोल जावा दरकार कारण कौटिना कौटी राज्यवासी सांगे ए सरकार प्रतारणा विभिन्न बेले विभिन्न कंपनी ना केते बेले ओईआरसी केते बेले टाटा पावर यांको ना नौची किंतु प्रकृत दोषी एठी ओडिशा सरकार प्रकृत दोषी जो जी अच्छा मंत्री तेणु किभली भाव में आर गोटे विराट तदंत हो विषय आम राज्यपाल महोदय को जड़े पिछला 10 वर्ष रे 20,000 कोटी टंकार पूंजी निवेश होइछि बोले सरकार कहले परवर्ती समय रे टाटा पावर को जितेबले हस्तांतर कले सेतेबले टाटा पावर आकलन कर 5,000 कोटी टंका देखा जाउछि आउ 15,000 कोटी कुआडे गला तार उत्तर सरकार रखा दरकार ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पाई टाटा पावर दायित्व तो नहीं टाटा पावर एक व्यावसायिक संस्था होती तार लाभ को सी आखि आगे रखी तार कारबार करिवो किंतु सरकार दायित्व तो नेबा दरकार सुपरिचालना करवा दरकार एवं लोके केमिति अनइंटरप्टेड भाव में बिजुली पाइबे तार दायित्व तो नेबा दरकार किंतु कौन सरकार कहले मंत्री महाशय कहले ठाकुर घर किए नाम कदली खाई कई पचारि नथले प्रथम सामना को आसी कहले ए वर्ष पावर कट हेबो नाही गत दिन मानक जो मैंने दीर्घ वर्ष धरी शासन गादी थिले
से माने केवल जनजाति ना से माने भोट नहीं चलते किंतु तांकर विकास पाई सेमिति आखिदृशिया कार्य से माने करि नथिले किंतु आज मोदी सरकार समय रे आज ये जनजाति वर्गर मान सम्मान गौरव बढ़ावा कथा हो जदि किसी करी मोदी सरकार समय रे करी आपण माने समस्ते जानती जे आज भारत वर्षर सर्वोच्च सांविधानिक पदरे आज जदि काहाकु जदि आदिवासी कथा काहाकु जदि मने पड़ेला से होचंति नरेंद्र मोदी आज जणे ओडिसार गोटे आदिवासी अधूषित अंचल मयूरभंजर आदिवासी महिला को आज देशर सर्वोच्च पदरे राष्ट्रपति भावे आज तांकु जदि आसन अलंकृत करई पारिछंति से होचंति मोदी जी तापाई मु ओडिसावासी अनुसार एवं जणे आदिवासी अनुसार मु गर्वित जे स्वाधीनतार दीर्घ वर्ष पर गोटे आदिवासी को जदि केही जदि मान सम्मान जदि दे पारिछंति एवं सर्वोच्च आसन रे जदि आसीन करई पारिछंति से होचंति मोदी जी तेणु मोदी जी को मु धन्यवाद ज्ञापन करी। तत्सहित आज अनेक भारत स्वाधीन रे अनेक एमती जनजाति क्रांतिकारी वीर माने थिले जे कि तांकर देश स्वाधीन रे तांकर भूमिका अतुलनीय अनेक समय रे सेमानकर पराकाष्ठा देखैछंती एवं वीरत्वर सहित इंग्रेज मानक सहित लढ़ीछंती समिति आमर भगवान बिरसा मुंडा से जल जंगल जमी आदि उपरे जत इंग्रेज मानक ललुप दृष्टि पड़ा सेते समस्त मुंडा संप्रदाय लोक एकत्रित करी से इंग्रेज मानक विरुद्ध लड़े करने जो आह्वान देते एवं वीरत्वर सहित शेष पर्यंत से लड़े करते आरेस्ट कराइला जेल रे से मृत्युबरण करते बलिदान होते से भले व्यक्ति को से भले जदा को जड़े जनजाति वर्गर जड़े क्रांतिकारी को आज जदि कहीं जदि सम्मान देवा कार्य कर जन्मदिन को 15 नवेम्बर को जनजातीय गौरव दिवस भाव घोषणा कर पुणि दंतार मृत्यु बड़म्बा रेंज अधीन अरंडा बिट भिलेज एरिया दंता हाथी मृत्यु होती विलंबित रात्रि में वज्राघात हाथी मृत्यु होता रेंजर सीताराम शबर सूचना देखते घटनास्थल में बड़म्बा रेंजर और फरेस्ट पहुंच अनुधान कर संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि शिवराम पंडा रही शिवराम किसी जना पड़े कि दंता हाथी जो मृत्यु होती जहाँ सूचना रही कि वज्राघात भी हो पहुंचती रेंजर फरेस्टर पहुंचती अनुधान करना पड़े हाँ देखो नीलिमा जदि कहीपर बड़म्बा लक्ष्मीपुर बनांचल प्रत्येक दिन हाथी मृत्यु खबर सामना को आसूम गत काली विलंबित राति बड़म्बा अंचल भीषण कालबैशाखी सहित घड़घड़ी बर्षा होता तेज यार भितर एक दंता हाथी मृत्यु घटा कथा सामना को आसूम घटनास्थल में बड़म्बा रेंजर समेत आठगढ़ डीएफओ घटनास्थल पहुंचे तेज जदि कह बड़म्बा रेंज अंतर्गत अरंडा बीट रही अरंडा बीट्र भिलेज एरिया रे दंता हाथी मृत्यु घटी जहाँ सूचना मिली और घटनास्थल फरेस्टर रेंजर और आठगढ़ डीएफओ घटनास्थल पहुंचे तेज हाथी एवं पोस्टमार्टम करा तेज पोस्टमार्टम पर सत्यासत घटना सामना को हाथी मृत्यु ने कि सूचना कि विलंबित राति में वज्राघात दंतार मृत्यु होती धन्यवाद शिवराम समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।